आज के इस वीडियो में हम पफ स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये डिजाइन काफी चल रहा है अभी। ये साइड हमारी सीधी वाली साइड है कपड़े की और ये उल्टी साइड है। तो उल्टी साइड को हम ऊपर की तरफ करके रखेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। आर्म होल हमारे पास 8 इंचेस है, तो इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये हमने 9.5 इंचेस पर फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है। जितना भी आपका आर्म होल हो उसमें सिलाई मार्जिन ऐड करके इस तरह से फोल्ड करके रखें। तो यहाँ से हम इसे पिनअप कर देते हैं। स्लीव लेंथ हमारे पास है 8 इंचेस, तो इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हम 9 इंच पर मार्क करेंगे। तो स्लीव लेंथ आप जितनी भी रखना चाहें उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके मार्क कर लें। यहाँ पर हम 9 इंच पर निशान लगा देते हैं। अब इस लाइन पर हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे 8 इंचेस पर। यहाँ पर निशान लगा देते हैं। कैप हाइट हमारे पास है 3 इंचेस, तो यहाँ से हम 3 इंचेस पर मार्क करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स के लिए मार्किंग करते हैं उसी तरह से हम यहाँ से मार्किंग कर लेते हैं। स्लीव राउंड हमारे पास है 11 इंचेस, तो इसका हाफ हो गया 5.5 इंचेस। 1.5 इंच हम यहाँ पर रखेंगे मार्जिन के लिए, मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ से मार्जिन वाली लाइन को हम मिला देते हैं और फिटिंग वाली लाइन को भी मिला देते हैं। ये हमने नॉर्मल स्लीव्स के लिए मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हम मार्क करेंगे 5 इंचेस पर। अब यहाँ से हम इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं, तो जितनी इसकी लेंथ है यहाँ से उसका हम हाफ करेंगे। तो इंच टेप को यहाँ से हम हाफ कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इस लाइन पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से जितनी हमारी लेंथ है यहाँ से मार्किंग उठाकर यहाँ पर भी हम निशान लगा देते हैं, सीधी लाइन ड्रॉ करके, और यहाँ पर एक बॉक्स जैसी शेप बना लेते हैं। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से गोलाई दे देते हैं। और यहाँ से हम इसे इस तरह से इस शेप में मिला देते हैं। तो इस तरह से ये हमने स्लीव की मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी थी यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ पर फिटिंग वाले निशान पर हम नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं, और यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था इस पर भी नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ से इस लाइन को हम दूसरे वाले मार्क तक मिला देते हैं, सीधी लाइन ड्रॉ करके। ये हमारा स्लीव का उल्टा साइड है और ये सीधा साइड है। तो यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था नॉचेस लगाकर, इस निशान से ऊपर की तरफ से हम यहाँ से प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये उल्टा साइड है स्लीव का, तो प्लीट्स हम इसमें नीचे की तरफ डालेंगे जिससे कि राइट साइड में ये ऊपर की तरफ दिखाई दे। तो यहाँ से हम प्लीट्स डालकर इनको हम पिनअप कर लेते हैं।
ये हमने चार प्लीट्स डाल ली है। और आप देख सकते हैं राइट साइड ये ऊपर की तरफ दिखाई देंगी। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी प्लीट्स डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी थी, यहाँ से हम इस तरह से नीचे की तरफ ये प्लीट्स डाल लेते हैं। तो दोनों साइड हमें बराबर से प्लीट्स डालनी है। एक साइड हमने चार प्लीट्स डाली हैं, तो इस साइड भी हमें चार प्लीट्स ही डालनी है। इस साइड भी हमने चार प्लीट्स डाल ली हैं। अब यहाँ पर इस नॉचेस से हम इसका आर्म होल मेजर कर लेते हैं। तो हमने 8 इंचेस लिया था, तो ये बराबर से 8 इंचेस होना चाहिए। यहाँ पर ये हमारे पास 9 इंचेस है, 1 इंच एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर हम दोनों साइड छोटी छोटी एक एक प्लीट और लगा लेंगे। यहाँ पर प्लीट्स डालेंगे और इसे पिनअप कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरे साइड भी डालेंगे। अब हम इसका आर्म होल मेजर कर लेते हैं। ये बराबर से 8 इंचेस आ रहा है। अब यहाँ पर जो हमने प्लीट्स डाली हैं, इनके ऊपर हम सिलाई लगाकर इनको यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमने प्लीट्स के ऊपर सिलाई लगा ली है। तो ये उल्टा साइड है और ये स्लीव का सीधा साइड है। तो सीधे साइड से आप देख सकते हैं किस तरह से ये प्लीट्स हमने डालकर तैयार करी हैं। इस तरह से पफ स्लीव्स बनाकर आप ब्लाउज में या अपनी ड्रेस में लगा सकते हैं। तो दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है। अगर आप स्लीव्स में अस्तर नहीं लगाते हैं तो ये स्लीव्स रेडी हैं ड्रेस के साथ में स्टिच करने के लिए। यहाँ से सिलाई लगाने की बाद में ये स्लीव्स कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। ये स्लीव्स हम ब्लाउज में लगाने वाले हैं, तो इसमें हम अस्तर लगा रहे हैं। यहाँ पर हमने इसके बराबर से अस्तर की भी कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव के साथ में अस्तर स्टिच कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने नॉचेस लगा दिए हैं, तो यहाँ पर हम फिर से प्लीट्स डाल लेते हैं।
अब यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट पर हम नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ से प्लीट्स पर स्टिच लगा लेते हैं। अब ये स्लीव्स हम ब्लाउज के साथ में स्टिच करेंगे। ये हमने ब्लाउज रेडी कर लिया है, तो यहाँ पर हमने सेंटर पॉइंट पर जो नॉचेस लगाए थे इसे हम शोल्डर पॉइंट पर मिलाएंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों साइड हम इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने ब्लाउज के साथ में स्लीव स्टिच कर ली है और यहाँ पर हमने ब्लाउज की साइड की फिटिंग वाली सिलाई भी हमने लगा ली है और ये हमारी पफ स्लीव्स बनकर तैयार हो गई हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस ब्लाउज के बैक पार्ट के कटिंग और स्टिचिंग का हमारा डिटेल में अलग से वीडियो हो चुका है, आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।